एवरीवन, जय स्वामीनारायण। आई एम निशित चौटालिया फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पाट गांधीनगर, रिप्रेजेंटेटिंग द सब्जेक्ट पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइन सेम 8 इलेक्ट्रिकल, इन विच आवर न्यू सब्जेक्ट 4 द सेम 8 इज द पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिजाइन। क्योंकि इसके अंदर हम, चूँकि हमारे पावर सिस्टम के प्लानिंग, चूँकि पावर सिस्टम हम जो भी रूटीन में हम देखते, जैसे कि पावर सिस्टम बेसिकली हमारे जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से बनते, तो यहाँ पे पावर सिस्टम प्लानिंग, क्योंकि उसके प्लानिंग में हमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है और उसकी डिज़ाइन हम कैसे करते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ सब्जेक्ट है जो कि आपको टोटली आपकी पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा या फिर उसकी डिज़ाइन कैसे रहती है, तो ऐसी सारी चीज़ों के पैरामीटर्स और सारी चीज़ों को हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट, इन विच अवर फर्स्ट यूनिट इज बेस्ड ऑन दी ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन। सो इसके अंदर हम क्या करने वाला है कि भाई ट्रांसमिशन लाइन जो भी है तो उसके वेरियस पैरामीटर को स्टडी करेंगे, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन की रिक्वायरमेंट, जो कि क्या उसकी ज़रूरत है, उसके वो हम ट्रांसमिशन लाइन किसके बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो कि है उसकी हाई वोल्टेज यूज़ करना या फिर नॉर्मली, जो कि उसकी सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज लेवल फॉर दी ट्रांसमिशन लाइन एज वेल एज इट्स कंडक्टर, जो कि कौन से टाइप के रहेंगे, फिर दो कंडक्टर के बीच में स्पेसिंग कितना रहेगा, या फिर उसके ऊपर वेरियस इफेक्ट ऑफ द पावर सिस्टम, जो कि आप ईपीएस 1 और 2 जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके अंदर भी ये चीज़ आपको पता है, तो उसके ऊपर से कोरोना या फिर फेरेंट इफेक्ट या फिर ऐसे बेसिक जो पैरामीटर्स है या फिर बेसिक जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है, ऐसी जो इफेक्ट्स है उसका क्या रोल रहता है, देन आफ्टर ट्रांसमिशन लाइन के स्पेसिफिकेशन जो कि पर्टिकुलर क्या रहते हैं, देन आफ्टर SIL जो कि सर्ज इंपीडेंस लोडिंग जो कि क्या है या फिर उसका जो रोल क्या है हमारी सिस्टम के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हम इस पार्ट में डिफाइन करेंगे। देन आफ्टर उसका ही सेकंड पार्ट जो कि रहेगा डिज़ाइन ऑफ EHV ट्रांसमिशन लाइन, जो कि EHV मीन्स एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहाँ पे यूज़ होता है या फिर उसकी डिज़ाइन में और बेसिक ट्रांसमिशन लाइन की डिज़ाइन में क्या वेरिएशन रहता है या फिर उन दोनों में क्या चेंजेस रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर, और वही चीज़ें जो कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो स्टडी कर रहे थे कि स्पेसिंग या फिर कोरोना की इफेक्ट क्या रहती है, रेडियो एंड टेलीविज़न इंटरफेरेंस जो कि इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन या ऐसे जो भी आपके डिज़ाइन फॉर दी ट्रांसमिशन लाइन एज वेल एज ट्रांसमिशन सपोर्ट, ट्रांसमिशन केबल्स, तो ये सारे पैरामीटर को हम स्टडी करते हुए ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन का पोर्शन कवर करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट वन इज़ द डिज़ाइन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपकी जो बनती है तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं कि भाई हमारा नॉर्मली सबसे पहले हम देखें तो सबस्टेशंस या फिर फीडर या फिर ऐसी जो उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी जो कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसे हम पहले जस्टिफाई करेंगे, देन आफ्टर इंडिविजुअल डिज़ाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरामीटर विल डिस्कस्ड। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो कि है इसके अंदर ही, जो कि सबस्टेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की साइज या फिर वोल्टेज रेगुलेशन और ये सारी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साइड जो हमें ऑब्जर्व करने की चीज़ है वो इसमें हम इंक्लूड करेंगे। क्लियर, ओके। नेक्स्ट वन इज़ द डिज़ाइन ऑफ द पावर सिस्टम, तो यहाँ पे हम क्या मतलब सिलेक्ट करने वाले हैं या फिर क्या स्टडी करने वाले हैं, जो कि है कि इसका इंट्रोडक्शन की पावर सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन की उसकी डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है, तो उसके बेसिक पार्ट्स देखें कि साइज एंड लोकेशन ऑफ दी जनरेटिंग स्टेशन, क्योंकि पावर सिस्टम तीन पार्ट से बनता है, जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, तो हम ट्रांसमिशन के बारे में बेसिक देख लेते हैं लेकिन उसके पहले हमें ज़रूरी है उसकी जनरेशन, तो यहाँ पे आपको सिलेबस थोड़ा ऐसा लगेगा कि पहले आपको ट्रांसमिशन सिखा दिया देन आफ्टर आप पावर सिस्टम की बेसिक बातें कर रहे हैं, तो हम सिलेबस के कंटेंट को हम अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट या फिर आपको पढ़ने में या फिर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एक सीक्वेंस हम अपने हिसाब से फॉलो करेंगे ताकि आपको प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत इजी रहे और आपका काम भी कम हो जाए। क्लियर, तो यहाँ पे पहला पार्ट बनेगा जो कि आपकी ट्रांसमिशन, तो आपका नेक्स्ट पार्ट रहेगा लेकिन उसके पहले रहेगा आपका जनरेटिंग स्टेशन वाला पार्ट, जो कि साइज एंड लोकेशन फॉर द जनरेटिंग स्टेशन एज वेल एज सिलेक्शन फॉर द ट्रांसमिशन लाइन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटर साइड, उसके लिए हम क्या करेंगे सबस्टेशन और इंटरकनेक्शन की बातें करेंगे, जो कि आपको ये भी पता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही आपको यहाँ पे सबस्टेशन रहते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन में तो आपको पता है कि ट्रांसमिशन लाइन के अलावा और कोई जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को कंसर्न करे या फिर उसको अफेक्ट करने वाले पैरामीटर्स या फिर ऐसे एलिमेंट्स
नहीं रहते। तो उसके बाद रहता है पावर सिस्टम अर्थिंग, क्योंकि हम जब बेसिक ऑफ पावर सिस्टम स्टडी करेंगे तो उसके बाद हम ट्रांसमिशन लाइन की ओर जाएंगे और उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन साइड की ओर जाएंगे, देन आफ्टर हम आएंगे अर्थिंग की ओर। बट वॉट डू यू मीन बाई दैट अर्थिंग? तो यहाँ पे आपको ये भी शायद आपको पावर सिस्टम टू में थोड़ा स्टडी आपने किया होगा कि भाई अर्थ रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, या फिर लीकेज रिएक्टेंस, या फिर सोल रेजिस्टिविटी, फिर हमारा बॉडी करंट, या फिर टच पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल, या फिर आपका जो भी इलेक्ट्रोड है या स्टेप फुटिंग है, या फिर उसके फुटिंग की जो बात है कि टावर फुटिंग रेजिस्टेंस, उसे कैसे मेजर करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पावर सिस्टम अर्थिंग वाले पोर्शन में दी जाएगी, ठीक है? क्योंकि उसका भी वेटेज देखो तो काफ़ी अच्छा है, और पॉइंट स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो बहुत कम कंटेंट है जो कि आपके लिए काफ़ी काम इजी कर देता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन इज़ द इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन, जो कि आपका नेक्स्ट यूनिट है, फिफ्थ, जो है इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन कहते किसे हैं, तो उसके लिए आपको बेसिक डेफिनेशन जो कि इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग रहेगी, देन आफ्टर बेसिक इंपीडेंस लोडिंग BIL, देन आफ्टर इंसुलेशन लेवल फॉर दी सबस्टेशन इक्विपमेंट, लाइटनिंग LA डिज़ाइन जो कि लाइटनिंग एरेस्टर की डिज़ाइन, या फिर ओवर वोल्टेज, या फिर टेंटेटिव सिलेक्शन फॉर दी सर्ज वोल्टेजेस, या फिर लाइटनिंग एरेस्टर्स, देन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ एरेस्टर्स फॉर द डिस्चार्ज करंट, एरेस्टर डिस्चार्ज, एज वेल एज इम्पल्स लेवल की भी हम इसमें ही बात करें, क्योंकि हमें पता है कि इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन का मतलब ही है कि आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सर्ज, वो कोई भी हो सकता है, लाइटनिंग सर्ज भी हो सकता है, या फिर और कोई तरह से भी आपका इम्पल्स वोल्टेजेस मिलते हैं तो उसकी वजह से भी आपको सर्ज मिल सकता है। तो यहाँ पे आपका इंसुलेशन कोऑर्डिनेशन वाला जो पोर्शन है, जो कि फिफ्थ यूनिट है आपका, वो यहाँ पे कवर किया जाएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन इज द पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट, जो कि पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट, जो कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट आपका मेन टॉपिक है कि भाई पावर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होता है, कि नॉर्मली हमें हमारा वोल्टेज रेगुलेशन, या फिर पावर फैक्टर, या फिर लॉसेस, या फिर उसकी एफिशिएंसी को मेनली हम ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पे पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या करेंगे कि भाई पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स ज़रूरी है, उसके बाद उसकी कौन कौन सी स्कीम्स या फिर टेक्निक्स है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, देन आफ्टर व्हाट डू यू मीन बाय दी वोल्टेज रेगुलेशन एज वेल एज इट्स लॉसेस, या फिर पावर सिस्टम की एफिशिएंसी जो कि हमें पता है, उसके भी बेसिक इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन पावर सिस्टम टू। सो ये बेसिक चीज़ें आपको पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट के अंदर इंक्लूड करनी है। साथ में ही आपको यहाँ पे ट्रांसफार्मर सेंटर, जो कि ट्रांसफार्मर का लोकेशन आप शिफ्ट करेंगे तो उसकी वजह से आपको कैसे कैसे आप अपनी सिस्टम में अफेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट, जो कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट इज़ ऑल्सो सब टॉपिक या फिर सब पार्ट ऑफ दैट यूनिट ऑल्सो, बिकॉज हमें पता है कि नॉर्मली हमारी सिस्टम को हम कंट्रोल या फिर इम्प्रूव करने के लिए हम पावर फैक्टर को ही हम इम्प्रूवमेंट में ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो उसके हिसाब से हम RLC या फिर हमारे जो भी ट्रांसमिशन लाइन है तो उसके वेरियस पैरामीटर की कैलकुलेशन करेंगे, जो कि ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन के अंदर भी बेसिक चीज़ें आप इसके रिगार्डिंग देखेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट पार्ट जो कि नेक्स्ट यूनिट आपका बनता है पावर सिस्टम प्लानिंग, तो इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि भाई पावर सिस्टम प्लानिंग किसे कहते हैं, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय दैट पावर सिस्टम प्लानिंग, और व्हाट आर द टेक्निक्स या फिर मेथड्स फॉर प्लानिंग ऑफ द पावर सिस्टम, देन आफ्टर फोरकास्टिंग ऑफ द लोड एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, देन आफ्टर जनरेशन प्लानिंग एज वेल एज ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग। क्योंकि हमें पता है कि बेसिक पावर सिस्टम किसे कहते हैं और इसको प्लानिंग में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, देन आफ्टर रिलायबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम एज वेल एज मेजरमेंट ऑफ द पावर सिस्टम रिलायबिलिटी। तो यहाँ पे चीज़ होती है पावर सिस्टम प्लानिंग के बारे में। तो ये एक यूनिट आप देखोगे तो थोड़ा आउट ऑफ ट्रेंड लगेगा, क्योंकि अभी तक हमने पूरी पावर सिस्टम की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम पावर सिस्टम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, क्लियर? क्योंकि सब इसके पहले हमने डिज़ाइन के बारे में बात किया था कि पावर सिस्टम की डिज़ाइन कैसे करते हैं, नाउ हम डिस्कस करेंगे पावर सिस्टम प्लानिंग की। तो इसके सिलेबस में जो कि आप सब्जेक्ट का नाम पढ़ोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट का नाम है पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिज़ाइन। तो दो पार्ट में हमारा सब्जेक्ट डिवाइड है, जो कि एक पार्ट रहता है पावर सिस्टम प्लानिंग का, दूसरा पार्ट रहता है डिज़ाइन का, जो कि हमें पता है कि प्लानिंग मतलब कि एक अरेंजमेंट आपको करनी है या फिर उसकी कैलकुलेशन करके आपको बताना है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं, जो कि एक प्लानिंग है। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी चीज़ अगर हम स्टार्ट करते तो उसके लिए हम उसकी प्लानिंग करते हैं। तो जैसा हमारा साउंड प्रूफ प्लानिंग रहेगा, अच्छा प्लानिंग रहेगा, उतनी हमारी रिलायबल सिस्टम बनेगी।
तो यहाँ पे पावर सिस्टम को प्लान करते हैं कि भाई ऐसी हमारी पावर सिस्टम बनेगी, और उस हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं, जो कि उसके वेरियस पैरामीटर्स है या फिर जो भी पार्ट्स है उसे हम इंक्लूड करने के बाद हम उसकी डिज़ाइन करेंगे। तो ये आपके सिलेबस का आपका कंटेंट का पार्ट टू बनेगा, जो कि रहेगा पावर सिस्टम डिज़ाइन। तो ऐसे हमारा पूरा सिलेबस पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिज़ाइन, जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया गया है टू पार्ट्स में आपके सिलेबस को, तो यहाँ पे आपको ये पार्ट भी आपको अच्छे से दिखा जाएगा, ठीक है? ओके। और इसके लिए मैं आपको थोड़ा कुछ रेफरेंस बुक के बारे में, अगर हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं तो साथ में बता दूँ, तो नॉर्मली हमारे जो थियरी वेटेज है तो उसको तो आपके लिए सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रेफरेंस बुक के बारे में। तो यहाँ पे एक आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक जो कि पावर सिस्टम प्लानिंग के लिए मिलेगी, जो है MV देशपांडे TMC पब्लिकेशंस की, एज वेल एज BR गुप्ता एंड SN पब्लिकेशंस पावर सिस्टम प्लानिंग सॉरी पावर सिस्टम डिज़ाइन की जो बुक है वो भी काफ़ी अच्छी है आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी अगर आप कोई इंडिविजुअल टॉपिक के लिए अगर आपको देखना है कि भाई सर मुझे सब सेशन के लिए या फिर पावर सिस्टम के कोई इंडिविजुअल और टॉपिक के लिए देखना है, तो भी आपको गुप्ता जो भी धनपत राय एंड सन्स वालों की है एक वो भी बुक अच्छी है, और सब स्टेशन के लिए सतनाम एंड गुप्ता वाली जो बुक है वो भी काफ़ी उसमें डेप्थ में दिया है। लेकिन आपके लिए सिर्फ सब स्टेशन का एक छोटा सा टॉपिक जो कि 2 to 3 थियरी पॉइंट ऑफ व्यू ही आपको दिया हुआ है, तो वो ज़्यादा आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना है तो आपके लिए वो काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। तो आपको इंडिविजुअली कोई टॉपिक या फिर कोई पार्ट के लिए अगर आप देखते हो तो आपको इसके रिगार्डिंग भी काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा, जो कि हमारे लाइब्रेरी में या फिर आपको यहाँ से आपको इसका मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी बेसिक जो हमारा फर्स्ट पार्ट था या फिर फर्स्ट यूनिट था, जो था आपका सबसे पहले कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिज़ाइन सिलेबस कैसा है। अगर हम ये सिलेबस के बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया कि हमारा सिलेबस जो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है कि एक है पावर सिस्टम प्लानिंग और दूसरा है डिज़ाइन, तो हम पहला पार्ट जो कि हम लेंगे पावर सिस्टम प्लानिंग और देन आफ्टर नेक्स्ट पार्ट पावर सिस्टम डिज़ाइन। तो हम सबसे पहले हमारा सिलेबस में दिया हुआ 7th यूनिट है उसे हम सबसे पहले स्टडी करेंगे, देन आफ्टर हम बाकी के यूनिट्स, उसमें हम सबसे पहले डिज़ाइन ऑफ पावर सिस्टम जो कि इसके अंदर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन को डिस्कस करेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल गोइंग टू डिस्कस दी ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एज वेल एज, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन के बाद साथ में लेंगे अर्थिंग एंड इंसुलेशन को, ठीक है? और उसके बाद एक सिंपल टॉपिक जो बचेगा आपका वो रहेगा इम्प्रूवमेंट के बारे में, क्लियर? तो इससे हमारा पूरा सिलेबस आपको डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने बताया कि आप इसे ऐसे स्टडी कर सकते हो, ठीक है? तो हम हमारा ये जो भी नेक्स्ट सेशन जो भी हमारा आएगा उसके अंदर हम पावर सिस्टम प्लानिंग एंड डिज़ाइन का यूनिट 7 जो कि पावर सिस्टम प्लानिंग का जो पार्ट है उसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।